जिस गुजरात मॉडल के नाम पर नरेंद्र मोदी जी ने देश को कहा था कि मैंने गुजरात को अच्छा बनाया है, उस गुजरात के भीतर आज भी 50 लाख नौजवान बेरोजगारी के जरिए घूम रहे हैं। उस गुजरात के भीतर पिछले 5 साल में कम से कम 13,000 किसानों ने आत्महत्या की है, और ऐसे समय में गुजरात के भीतर हम लोग जनहित में, किसानों के हित में, नौजवानों के हित में जो लड़ाई लड़ते हैं, वो लड़ाई आने वाले दिनों में सदर विधानसभा से उत्तर प्रदेश में आम लोगों के लड़ने की जरूरत है। नीरज जी का इतिहास यहाँ के लोगों के काम करने के लिए बहुत अच्छा रहा है। मैंने सुना कि यहाँ पर वो किसी पद पर नहीं होने के बावजूद भी जिला अधिकारी हो, यहाँ के विभिन्न सरकारी अफसर हो, उनके सामने लड़कर भी आप लोगों के हितों के लिए वो लड़ते हैं। मुझे पता चला कि आपके यहाँ पर जो सड़कें पिछले 5 साल में अच्छा नहीं हुआ था, वो अच्छी सड़कें बनाने के लिए भी उन्होंने अनशन भी किए, संघर्ष भी की, लाठी दिखाई, अनशन के जरिए यहाँ के अफसरों को झुकाने का काम किया है। साथियों, यहाँ बड़ी संख्या में लोग आए या ना आए, उनको कोई समर्थन करे या ना करे, लेकिन उनकी जिम्मेवारी, उनका विश्वास यहाँ के लोगों में है। वो चाहते हैं कि मुझे यहाँ के लोगों के लिए काम करना है, वो समझते हैं कि मुझे यहाँ के लोगों की मदद करनी है। जिन्होंने आपने विधायक बनाया, लोकसभा का सदस्य बनाया, उसने कभी आप लोगों की बात विधानसभा या लोकसभा में नहीं की, लेकिन इस आदमी ने पिछले 2-3-4 सालों से लगातार यहाँ की विधानसभा के विभिन्न गांवों में जा जाकर लोगों की मदद करने का काम करते हैं। मुझे कुछ दिन पहले पता चला कि यहाँ के जो वर्तमान विधायक है, उनकी ग्राम सभा में हजारों लोग महीनों से अंधेरे में रहते थे, बिजली ठीक से नहीं थी। हमारे नीरज जी ने अपने आप को भी जिम्मेवारी समझी कि भले मैं विधायक ना हूं, भले मैं किसी पद पर ना हूं, लेकिन मुझे लोगों की मदद करनी चाहिए, और इसीलिए त्रिपाठी जी उस गांव में पहुंचे और 400 केवी का ट्रांसफॉर्मर लगवा कर खंभे लगाए और वहां के गांव के लोगों की मदद करने का काम भी उन्होंने किया है। अभी पट्टी ग्राम सभा की लोहिया गांव में भी भारी बारिश की वजह से पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाई गई पुलिया बह गई थी, उसमें भी इन्होंने जाकर वहाँ के गांव की महिलाओं की, वहाँ के नौजवानों की, वहाँ के किसानों की मदद करने का काम इन्होंने किया है। दोस्तों, मैं ज्यादा समय आप लोगों का लेना नहीं चाहता, लेकिन एक बात मैं दावे से कह सकता हूँ, मैं नौजवान हूँ, मैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह के गुजरात के उन गांव में जाके लड़ा हूँ, मुझ पर 32 केस से मैं 9 महीने जेल में रहा। ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई हम लोगों के लिए नहीं है, ये नीरज जी जो लड़ाई अभी लड़ते हैं यहाँ के लोगों के लिए, वो लड़ाई नीरज जी के लिए नहीं है, लेकिन 5-7-10 साल के बाद जब हमारी आने वाली पीढ़ी टीवी देखती हो और उस टीवी के अंदर जब ये आए कि यहाँ का नौजवान बेरोजगार है, यहाँ का किसान आत्महत्या करता है, और अपनी आने वाली पीढ़ी हमें पूछ रहे कि पापा, जब उत्तर प्रदेश बर्बाद हो रहा था तब आप क्या कर रहे थे, तब नीरज जी जैसे अच्छे लोग, लड़ाक लोग ये बोल सके कि बेटा, जब उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने का काम जब भाजपा करती थी, तब कांग्रेस का सिपाही बनकर उत्तर प्रदेश को बचाने का काम मैं करता हूं। और इन सपनों के साथ हम सभी लोगों को यहाँ से लड़ने की जरूरत है। योगी जी बड़े बड़े भाषणों में कहते हैं कि जब से मैं मुख्यमंत्री बना हूं, तब से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर हमने अच्छा काम किया, लेकिन कल ही एक समाचार में एक सर्वे आया था जिसमें पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश के 50 जिलों में धारा 144 लगी। कहने का मतलब ये है कि अगर योगी जी के शासन में यहाँ के किसान, यहाँ के गांव, यहाँ की महिला सुरक्षित होती तो धारा 144 लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। या बड़ी संख्या में मेरे नौजवान साथी बैठे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता कि नरेंद्र भाई ने 2014 में कहा था कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा, इस सदर विधानसभा के कौन से नौजवान को भारत सरकार का रोजगार मिला, मुझे हाथ ऊंचा करके बताइए। नरेंद्र भाई ने कहा था कि किसानों की आय दुगनी कर दूंगा,
किसानों की आय दुगनी हुई या ना हुई, लेकिन नेताओं की आय दुगनी हो गई। किसान बर्बाद हुआ, किसान दुखी हुआ, दिन प्रतिदिन शिक्षा महंगी होती जा रही है। और ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में विभिन्न योजनाओं को लेकर, विभिन्न संकल्पों को लेकर आपके बीच में आई है, तो मैं आप लोगों से अपील और विनती करता हूं कि कांग्रेस पार्टी के हाथों को मजबूत करने का काम करे। ये साथी सिर्फ विधायक बनने के लिए आप लोगों के बीच नहीं है। आप विधायक बनाए या ना बनाए, वो अपना काम तो जारी रखेंगे। 2019 के उपचुनाव में भी 20,000 वोट आप लोगों ने दिए थे, आप लोगों का प्यार इनके साथ है। लेकिन मैं आप लोगों से अपील और विनती करता हूं कि अच्छे लोगों को उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भेजिए, जो आप लोगों के लिए लड़ सके, जो आप लोगों के लिए बोल सके। अभी के जो आपके विधायक है, 5 साल हो गए एक महीने के बाद, एक सवाल भी सदर विधानसभा को लेकर विधानसभा में नहीं पूछा। आपने भारी मतों से उनको जिता दिया, लेकिन आप लोगों की बातियों को विधानसभा में जाकर नहीं करेंगे तो आप अपनी समस्या किसके पास लेकर जाएंगे। हम सब जानते हैं कि पिछले 6 महीनों से अधिक समय हो गया है, प्रियंका जी लगातार यहां के गरीब से गरीब व्यक्ति के घर पे जाके, गरीब से गरीब व्यक्ति के घर जाकर उसकी समस्या समझने का जो काम प्रियंका जी ने किया है, तो ये बात भी साबित हुई है कि आने वाले दिनों में प्रियंका जी जैसे अच्छे और भले लोगों के हाथ में उत्तर प्रदेश का शासन आएगा तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का भविष्य पूरी तरह से बदलेगा। मैं साथियों यहां पर जो आए उनसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने इस बार एक बात तय की है कि अगर हमारी सरकार 2022 में उत्तर प्रदेश में आएगी तो हमारा ये वचन है यहां बैठी हुई हमारी माताओं को, उनकी बेटियों को, कि सरकार आने पर छात्राओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे और उसको स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए स्कूटी दी जाएगी, ताकि वो इस उत्तर प्रदेश के बेहतर भविष्य में अपना निर्माण वो खोजती रहे। साथियों प्रियंका जी लगातार यहाँ के किसानों के घर जाते हैं। आपके यहाँ नजीक लखीमपुर खीरी के एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी। सोचिए आप, अगर हम गाड़ी लेकर जाते हैं और गलती से कोई बिल्ली उस गाड़ी के नीचे आ जाए तो हम 2 दिन खाना नहीं खाते, हमें दुख लगता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री ने 6 किसानों पर गाड़ी चला दी, लेकिन आज तक उस मंत्री को बर्खास्त नहीं किया गया। कांग्रेस पार्टी को बदनाम किया गया जब हमारा शासन था 2014 से पहले, और हमारे किसी मंत्री पर कोई आरोप प्रत्यारोप लगते थे तो हम बिना सोचे समझे हम अपने मंत्री से इस्तीफा ले लेते थे। लेकिन इस लखीमपुर खीरी के इस मंत्री ने 6 किसानों को मार दिया, अभी तक उसका इस्तीफा नहीं लिया गया। और आप जानते हैं उन्नाव में क्या हुआ था, एक भाजपा के विधायक ने एक महिला के साथ बलात्कार किया, उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया। लेकिन आज क्या हुआ तो कुछ नेता फिर भी उस विधायक की वाहवाही करने में जुड़े हैं। मैं यहां बैठे हुए सभी नौजवानों से कहना चाहता हूं, मैं जानता हूं कि यहां कई गांव मेरे ही समाज के भी है, मैं गुजरात से आता हूं, आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ नाक जात पर आप लोगों के वोटों का उपयोग करते हैं। गुजरात के अंदर हम लोगों ने, गुजरात के भीतर पटेल समाज ने भारतीय जनता पार्टी को 2015 से पहले खूब मजबूत करने का काम किया। लेकिन जब 2015 में वहीं के पटेल समाज को कुछ जरूरत थी शिक्षा और रोजगार में, तो सोचिए वहां की भाजपा सरकार ने 14 पटेल समाज के नौजवानों को गोली मारकर मार दिया। मैं ये बात इसलिए कहता हूं कि आज यहां का जो जात पात पर यहां की सरकार जो राजनीति करती है उसे ऊपर उठकर एक ऐसा व्यक्ति चुने, चाहे वो अपने समाज का हो या ना हो, लेकिन वो व्यक्ति अगर आपकी समस्या को समझता है, आपकी चिंता में आपके साथ खड़ा रहता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसको चुनाव जिताकर लखनऊ में भेजिए, ताकि वो आपकी आवाज को मजबूत करने का काम करेगा। या नीरज जी, अभी हम आ रहे थे तो सभी नौजवानों को एक एक व्यक्ति को नाम लेकर बुला रहे थे। मैंने कहा नीरज जी कितने सालों से यहां घूमते रहते हो, बोले अब तो यही जिए तो यही मरेंगे, तो याद रखना सबको जरूरी है। मैंने कहा क्या होगा चुनाव में, तो नीरज जी ने बहुत सहज रूप से मुझे जवाब दिया कि देखिए हार्दिक भाई, चुनाव हारे या जीते वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उपचुनाव के बाद एक बात तय हो चुकी है
कि लोगों का ध्यान हमारे साथ जरूर है, लोग हमें वोट देंगे, चुनाव में क्या परिणाम होंगे उस पर हम गौर नहीं करते, लेकिन मेरा सपना एक है कि मैं सदर की यहाँ की जो जनता है उनकी समस्याओं को समझू, और जब यहाँ की जनता मुझे आशीर्वाद देगी तो एक वादा जरूर है कि जितनी भी समस्या समझूंगा वो लखनऊ विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री के सामने सवाल करते करते सारी समस्याओं का समाधान भी लाऊंगा। ये बात इस व्यक्ति के लिए या बैठे सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इसीलिए इस किसान महापंचायत में यह कहना चाहता हूं, यहाँ जितने भी किसान है, कोई अदानी अंबानी का बेटा नहीं है, सब किसान परिवार से आते, सब किसान के बेटे, सब किसान परिवार में मेहनत करते हैं। कांग्रेस पार्टी का वादा है कि 2022 में जब हमारी सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट में उत्तर प्रदेश के लाखों किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा, जिस तरह से हमने छत्तीसगढ़ में काम किया था, राजस्थान में काम किया था, मध्य प्रदेश में काम किया, पंजाब में काम किया, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश के किसानों की समृद्धि के लिए, उसकी मजबूती के लिए हम लोग यहाँ पर भी काम करेंगे। साथियों, कोरोना में क्या हुआ हम सब लोग जानते हैं, जब गुजरात के पेपरों में पहले पेज पे गंगा नदी के किनारे पर बहती वो लाशें, वहां पड़ी हुई वो लाशें जब हम लोगों को दिखाई गई तो हमारा दुख, हमारा मन बहुत ही दुखी हुआ था कि जहां पर आप सरकार चलाते हैं, इतने सारे मंत्री आपके पास है, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसी गरीब व्यक्ति को कोरोना काल में बचाने का काम यहां की सरकार ने नहीं किया।